हमारी टीम ने अब तक दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में 25 से ज्यादा शहरों में मोदी सरकार के 4 साल की पड़ताल की है। आज हम मुंबई में हैं। अब तक 11,600 किलोमीटर की यात्रा। नमस्कार, मोदी के 4 साल की बड़ी पड़ताल के लिए हम आप पहुंचे हैं देश की आर्थिक राजधानी महानगर मुंबई में। आपको बता दें 2014 में यहां के कुल 6 सीटों में से 3 शिवसेना और 3 बीजेपी ने जीती थी, यानी की पूरी सीटें एनडीए के खाते में गई थी। अब सवाल यह है कि 4 सालों में महानगर मुंबई में कितना बदलाव आया है, मोदी के 4 साल को लेकर यहां की जनता सोचती क्या है, ये जानेंगे। मायानगरी मुंबई से एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मोदी के 4 सालों की पड़ताल के लिए हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुंबई की जनता मौजूद है, जोरदार तालियां खुद के लिए। यहां के लोगों के सवाल होंगे, यहां के नुमाइंदे जो अलग अलग पार्टी से हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं वो अपने जवाब रखेंगे सामने। लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, और ये खबर जुड़ी हुई है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी है, वहां पर दुर्ग में उन्होंने बाकायदा रोड शो किया है। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी यहां पर पूरा जोर लगा रहे हैं। साल के अंत में यहां पर चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी की सरकार है, इसलिए राहुल के सामने बड़ी चुनौती है। जबकि पीएम मोदी विकास की धार को रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। कल वो श्रीनगर में जोजिला टनल के काम का शुभारंभ करेंगे। इस टनल के जरिए घाटी से लेह का साल भर तक संपर्क बना रहेगा, और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का यह पूरा कार्यक्रम है। फिलहाल मुंबई में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देती हूं। मंच पर हमारे साथ राम कदम, विधायक और प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम कदम जी आपका, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण जी आपका भी बहुत स्वागत है। एनसीपी की ओर से मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी बहुत स्वागत है। और एमएनएस की ओर से संदीप देशपांडे, एमएनएस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राम कदम जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि 37,000 करोड़ का बहुत बड़ा बजट, देश के किसी भी छोटे राज्य से बड़ा बजट यहां की महानगर पालिका है, और आप और शिवसेना वहां पर काबिज है। ये बताइए, शिवसेना बार बार आंखें दिखाती है, शिवसेना कह रही है 2019 में आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, शिवसेना आपके हर एक मुद्दे का जिसको आप विकास बताते हैं उसका वो विरोध करती है, छोड़ क्यों नहीं देते हैं साथ आप? हमारा साथी दल ऐसा है कि उनकी फितरत रही है, जो कहते हैं कुछ दिनों बाद उस बात से वो मुकर जाते हैं। ढोलक जो है दोनों तरफ से बजाना उनकी फितरत है, उनको हम गंभीरता से नहीं लेते। एक और वो सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं, और उसी ओर सत्ता पक्ष से हटकर टीवी के कैमरे दिख जाए तो सत्ता पक्ष के विरोध में आपत्ति। मतलब आप कह रहे हैं कि वो कैमरे के भूखे हैं, कैमरा देखते हैं उनकी चाल और चरित्र दोनों ही बदल जाती है। नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़कर के कहूं, वो ढोलक दोनों तरफ से बजाना चाहते हैं। या तो तुम आप लोग बज भी तो रहे हैं, आप लोग बज भी तो रहे हैं, ढोलक दोनों तरफ से बज भी तो रही है। बीजेपी का तो यही हाल कर दिया उन लोगों ने। बीजेपी का कोई हाल नहीं किया। बीजेपी महाराष्ट्र में क्रमांक एक की पार्टी है, जितने चुनाव हुए साथी दल से हम आगे हैं। लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी है उनके साथ रहना। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर कहां खड़ी हो रही सर? 2014 में तो दो, मतलब ये दो का झुंझुना पकड़ा दिया था यहां की जनता ने, 19 में क्या होगा कांग्रेस का? देखिए, इनकी भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की जो नूरा कुश्ती चल रही है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। 2014 में इन्होंने अन्ना के नाम पे चुनाव जीता, और 2019 ये जिन्ना के नाम पे जीतना चाहते हैं, यानी ध्रुवीकरण की राजनीति ये करना चाहते हैं। ये ध्रुवीकरण की राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। आज महंगाई चरम पर है, आज पेट्रोल डीजल के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि जिस भगवान राम के नाम से आप वोट मांगते हैं, श्रीलंका में यानी रावण के देश में पेट्रोल जो है वो 58 रुपए है, और सीता मैया के देश में यानी नेपाल में वो 64 रुपए है, और भगवान राम के देश में जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ वहां 83 रुपए। ये भगवान राम के नाम बातें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जनता तक आप लोगों की बातें पहुंच क्यों नहीं रही है? क्यों लगातार सरकार बनाते हुए बीजेपी चली जा रही है हर राज्य में? सवाल के साथ मैं आऊंगी। लेकिन एनसीपी को 2014 में 4 सीटें मिली थी, यानी कि कुल 48 में से आप दोनों के गठबंधन को कुल 6 सीटें मिली थी। ये बताइए 2019 में खुद को आप दोनों ही पार्टियों को कहां देख रहे हैं? जिस तरह से लोकसभा के चुनाव गए साल हुए थे उसके पहले अगर हमने देखेंगे तो यही मुंबई की जनता है कि जिसने कांग्रेस और एनसीपी दोनों गठबंधन को 6 के 6 सीट देने का काम किया था, और आज जिस तरह से हालात देखने को मिल रहा है, और जिसका उल्लेख राम जी ने कहा
कि विपक्ष की भूमिका महानगर पालिका में बीजेपी ले रही है और शिवसेना वहां पे विपक्ष की भूमिका राज्य में ले रही है, इसके कारण लोग त्रसित हो गए और मुंबई की जनता अब परिवर्तन के माध्यम से है। शिवसेना के नेता हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनको आना था, लेकिन शिवसेना का ये कहना है दरअसल विपक्ष अपना ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, इसीलिए हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष काम नहीं कर रहा है, इसके लिए वो विपक्ष की भूमिका ले रहे, लेकिन सत्ते में रहकर रह रहे तो वो भी आ जाए विपक्ष में बैठकर, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि क्या हालत है और क्या। बिल्कुल सही है कि मलाई भी खाएंगे और सत्ता में भी बने रहेंगे, ये दोनों कैसे चले गए यहाँ पर। लेकिन एमएनएस मार धार तोड़ फोड़ उत्तर भारतीयों का विरोध, मतलब इसी पर राजनीति चलेगी खाली आपकी? हमारी राजनीति तोड़फोड़ मारधाड़ इस पे नहीं चल रही है, हमारी राजनीति जो चल रही है, अगर आपने नासिक देखा है, जी देखा है, हाँ, तो वहां पे जो विकास हमने किया है उसके ऊपर हमारी राजनीति चल रही है, मार जोड़ पे नहीं चल रही है। और दूसरी अहम बात, आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इमरजेंसी ना होते हुए भी इमरजेंसी के जैसी जो स्थिति बनी हुई है उसका विरोध हम लगातार कर रहे थे और करते आए। इमरजेंसी कहां लगी हुई है, कहां इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज हमारे लोगों को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, आज नाडार प्रकल्प नहीं चाहिए, ये एमएनएस कैसे तय करेगी कि बुलेट ट्रेन चाहिए या नहीं चाहिए? आप कौन होते हैं, जनता की बात, जनता को तो विकास के लिए चाहिए होंगी ना ट्रेनें, आप कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए, आप लोगों से सुन लीजिए, किसी को भी नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं आपके नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैं आपको बोलता हूँ, आप उधर भी जाके सर्वे कीजिए, आप उधर भी जाके सर्वे किए, यहाँ के जो शेतकरी है नाडार प्रकल्प के लिए आए हैं उनका भी इस चीज के लिए विरोध है। हम विकास चाहते हैं लेकिन हमारे जो फार्मर्स है उनको रौंद कर हम किसी भी विकास को नहीं। ये बीजेपी क्या किसानों को गरीबों को रौंद कर विकास को आगे लेकर जा रही है? लोग कह रहे हैं बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये कार्यक्रम पूरे देश के 125 करोड़ लोग देख रहे हैं। जो मना कर रहे बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए वे सारे के सारे यहाँ पे जो वक्ता है उनके कार्यकर्ता है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के, उनको भारतीय जनता पार्टी जो भी विकास के काम करेगी उस कामों को उनका विरोध है। मतलब जनता आपके साथ है इस मुद्दे पर कि नहीं है? जनता हमारे पूरी तरह से साथ है, जो सामने बैठे हैं यहाँ पे आए हुए नेताओं के कार्यकर्ता, आपको मतलब जो सामने बैठे हैं वो आपको कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जो नेता लोग आए हुए हैं उनके। चले सवालों के लिए चलते हैं, यहाँ की जनता के पास खड़े हुई है सर, कैसे है सवाल? अभी रेलवे की बात हुई तो मैं राम कदम जी से पूछना चाहता हूँ, जो एयर इंडिया बिक गया उसका जो अध्यक्ष था सीएमओ कौन थे, उनको लाके रेलवे का चेयरमैन बनाया गया रेलवे बोर्ड का, तो क्या रेलवे को भी नॉन प्रॉफिटेबल एसेट बना के बेचने की तैयारी है? ठीक है, सवाल के साथ में जाऊंगी, खड़ी हुई सर, किससे है सवाल? ये जो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, पहले लोकल ट्रेन तो इस ढंग से करो, मुंबई में लोकल ट्रेन की हालत इतनी है वो इनको नहीं हो रही है, लोकल ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है, बुलेट ट्रेन दौड़ाने चल दी है पार्टी, मतलब इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा राम कदम जी, आपका किससे सवाल? ज्या बीजेपीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन ह्या राज्यामध्ये सत्ता स्थापन केली, त्या बीजेपीच्या सरकारमध्ये गेली स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत मला वाटतं पहिल्यांदा असे मोर्चे निघाले, पहिल्यांदा शेतकऱ्याने एवढी आत्महत्या केलेली आहे आणि पहिल्यांदा एवढ्या राज्यामध्ये बलात्कार झालेले आहेत, तर त्यांनाही ही जनता आता 2019 त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। ठीक आहे, मतलब मैं जितनी बातें इनकी बातों से समझ पाई हूं उसका जवाब जरूर बीजेपी की ओर से दिया जाएगा कि आत्महत्या के मामले और महिलाओं से रेप के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है इसके लिए? थोड़ा सा किनारे आइए, इधर आइए सर, किससे है सवाल आपका, थोड़ा सा और इधर बताइए। मैं सवाल हमारे आदरणीय राम जी से पूछना चाहूंगा कि ये सारी राजनीतिक बातें तो होते रहती है पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ब्रिज गिला अभी तक उनको समय नहीं मिला कि वहां पे जाके लोगों के हालात का जायजा तो ले सके। प्रधानमंत्री जी अब तक बनारस नहीं पहुंचे हैं, उसका दर्द मुंबई के लोग भी महसूस कर रहे हैं, बताइए आपका किससे है सवाल? राम भाई, मैं पूछना चाहता हूं, पूरे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, मैं आशा करता हूं, दो सीट से चली हुई भारतीय जनता पार्टी का सफर राम मंदिर मुद्दे के आंदोलन पे शुरू हुआ, मैं समझता हूं 4 साल पूरा हो गया, 20 राज्यों में आपकी सरकारें, लगभग ये कर्नाटक का नाटक भी पकड़ लेंगे तो 22 राज्यों में आपकी सरकारें हो जाती हैं लंगड़ी लूली पकड़ के, तो क्या राम मंदिर बनाने के लिए और कितना केंद्र में बहुमत चाहिए, कितनी राज्यों में? देखिए 1984 में 2 सीटों के साथ आई बीजेपी, 2014 में 282 आपके हो गए अकेले बहुमत के साथ, उसके बावजूद राम मंदिर जो है ना इस मुद्दे को पकड़कर आज भी लटके हुए हैं आप लोग, लेकिन राम जी का कुछ हो नहीं रहा है। माइक हटाना नहीं बीच में। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जब जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की बात आती है
यही वे कांग्रेस के नेता है और जाकर के कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला मत करो, ये आगे ढकेलो, ये बोलने वाले कांग्रेस के नेता है। यानी खुद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए राम मंदिर के निर्णय को आगे ढकेलने का घोर महापाप कांग्रेस के नेताओं ने किया। ये घोर महापाप आप लोगों ने किया है, मतलब आप कहते हैं 2019 का इलेक्शन हो जाए उसके बाद राम मंदिर पर कोई भी फैसला दे सुप्रीम कोर्ट, ये क्या चरित्र है कांग्रेस? नहीं नहीं, वो अगर हमारे नेता ने कहा तो उन्होंने व्यक्तिगत रीति से कहा है, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो कहती है आपकी 2/3 बहुमत है, आप ऑर्डिनेंस लाइए ना पार्लियामेंट के अंदर, आपके पास में आज बात करने को कोई चीज नहीं है। आज युवा बेरोजगार है, युवा को क्या कहते हैं, आज इनका नारा अगली बार में क्या होने वाला पता है, 2019 में इनका नारा होने वाला छोड़ो पढ़ाई ले लो कढ़ाई, क्योंकि पकौड़े ही तो तलने हैं अभी, तो ये पकौड़े तलने वाली सरकार है। पकौड़े तलने वाली सरकार वो कह रहे हैं आपकी तो सरकार है, फिर राम मंदिर के मुद्दे पर क्यों नहीं ऑर्डिनेंस लेकर आ? चित्रा जी, झुटलाने की भी एक सीमाएं होती है, उस सीमाओं की मर्यादा का ये उल्लंघन कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के नेता है, स्वयं सुप्रीम कोर्ट जा करके बार बार वो वहां पे निर्णय नहीं आए इसलिए प्रयास कर रहे हैं और हमारे से संसद की बात करते हैं। राम मंदिर, अरे आपके पास जो है आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर उंगली दिखा रहे हैं, आपके पास जो है आप वो करिए ना। देखो पूरे देश के सामने ये पूरी तरह से पारदर्शक तरीके, अयोध्या तो ये भी पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी बार बार सीता माता के दर्शन करने पहुंच गए, जय श्री राम भी बोल रहे हैं, अयोध्या तो आप आज तक पहुंचे नहीं है वो इन 4 सालों में। देखो मैं फिर से आपको विस्तार से बता दूं कि आप स्वयं देखिए कि बार बार कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट जाकर के क्या कह रहे हैं, वो नहीं चाहते निर्णय, वो कह रहे हैं अध्यादेश चाहते, ये झुटलाने वाली बातें कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के तहत ये मामला, क्या आप इसका जो क्या आप समर्थन करेंगे, समर्थन करेंगे, कांग्रेस समर्थन करेगी, ऑर्डिनेंस लाना चाहिए ये सरकार, आप समर्थन करेंगे पार्लियामेंट के ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाने की हिम्मत रखे उसके बाद हमारे से बात करे। नहीं, नहीं, समर्थन करेंगे कि नहीं समर्थन करेंगे? ये केवल भगवान करेंगे कि नहीं? भगवान राम के नाम को बेच रही है भारतीय जनता पार्टी, और कब तक बेचोगे? हम राम समर्थक है, कब तक बेचोगे भगवान राम को? मतलब वो अध्यादेश लाएंगे तो आप रहेंगे ना साथ में, रहेंगे ना साथ में? आप अध्यादेश लाइए, अध्यादेश लाने की हिम्मत रखिए, फिर आगे बात। हिम्मत है क्या इतनी आप लोगों में? मैं यहाँ पर कांग्रेसी नेता चरणजीत सप्रा जी से पूछता हूँ, आप खून खोल करके बात करें, आपका स्वागत है, क्या संसद में ये विषय उठेगा तो कांग्रेस राम मंदिर का समर्थन करेगी? खोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि लाइए, मौका भी है, बोल दीजिए। मैं तो कह रहा हूं भाई लाइए, कल नहीं आज लाइए ऑर्डिनेंस, मैं तो कह रहा हूं, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? इसके मतलब समर्थन करेंगे ना? बिल्कुल, इसके बाद भी आप 50 बार हमको पूछेंगे। वो तो क्या, उन्होंने कह दिया समर्थन करेंगे, लेकिन आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी चरणजीत सप्रा उनसे बात करें, ये पूरी झुटलाने वाली बातें लोगों के बीच में कर रहे हैं। कैमरा दिखने के बाद राम मंदिर की कुछ और बात करते हैं और जब निर्णय आने की, राम कदम जी आपके बात तो बेहद दिलचस्प है, मतलब कैमरा दिखने के बाद आपको लग रहा है कि नेताओं के सुर बदल जाते हैं, बीजेपी के सुर वही रहते हैं। चले ठीक है, ये बड़ी बहस मुंबई से लगातार जारी है, यहाँ की जनता मौजूद है, उनके तमाम और भी सवाल होंगे। मुंबई का मूड 2019 को लेकर कहता क्या है? मोदी के 4 साल की बड़ी पड़ताल हम कर रहे हैं, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहीं से आती हैं तो वो है महाराष्ट्र, 48 लोकसभा की सीटें, 42 पर एनडीए को 2014 में जीत मिली थी, लेकिन 4 सालों में बदला क्या, इसी पर लगातार ये बड़ी बहस जारी है। आपका सवाल किससे है बताइए? मैडम आपने आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा है मोदी के 4 साल, मोदी के 4 साल देश की जनता बेहाल और भारतीय जनता पार्टी मालामाल, भारतीय जनता पार्टी मालामाल, इसका जवाब जी जी। मेरा सवाल ये राम कदम साहब जी के, राम कदम साहब हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ईवीएम पे मशीन पे सवाल उठा रही है, हर घर घर में आवाज उठा, 130 करोड़ या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग, गलत बात नहीं, सही बात बोली। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के 130 करोड़ जनता हिंदुस्तान की ईवीएम पे सवाल उठा रही है, इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश के जितने भी राजकीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के ईवीएम पे। बड़ा सवाल आपने उठाया, अब मेरा सवाल सुन लीजिए मुझे, सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, अगर ईवीएम में खराबी रहती है कर्नाटक के पूरे सीटें नहीं लेकर आते, ये क्यों ये झुंझुना बीच में लटका देते, खुद लटकते रहते इधर से उधर? पूरी होने दी है मैडम, इनकी सहयोगी पार्टी जो महाराष्ट्र में सत्ते में वो भी इनके ऊपर सवाल उठा रही है, तो मैं राम कदम जी से पूछना चाहता हूँ कि राम कदम साहब आने वाले 2014 के 19 के चुनाव में आप ईवीएम
रद्द करके बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे क्या? करेंगे क्या? चलिए इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उनको इतना ही फायदा मिल रहा है तो वो क्यों पलटेंगे? चलिए इसका जवाब तो मैं लूंगी, इधर आइए सर, बताइए कैसे है सवाल। मैं मोदी जी के जो चार साल है सिर्फ जुमलों की ही, मतलब चार साल उन्होंने पूरे सिर्फ जुमलेबाजी देने में और झूठे वादा खिलाफी करने में किए, जितने भी वादे किए एक भी, जैसे कि उन्होंने मतलब 15 लाख देने की बात की थी या ये सब बातें की थी, एक रुपया नहीं आता है, कई मैनेजर तो परेशान है। देखिए मोदी जी अगर देख रहे हो ये प्रोग्राम और हमारी बात अगर उन तक पहुंचे, देश के हर हिस्सों में जहां जहां हम होकर आए हैं तकरीबन 25 शहरों से यही आवाज सबसे ज्यादा बुलंद हुई है कि हमारे 15 लाख रुपए हैं कहां। फिलहाल आइए कुछ और सवाल ले लेते हैं, आइए सर किससे सवाल। मैं सम्माननीय राम कदम जी से पूछना चाहूंगा कि 2014 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने विकास की बात की, लोगों को बड़े बड़े वादे किए, जुमलेबाजी की, लेकिन चार साल में विकास कहीं नजर नहीं आया। तो मैं राम कदम जी से पूछे जाऊंगा विकास आखिर है कहाँ, कृपया जनता को स्पष्ट करें। विकास है कहाँ, जनता ढूंढ रही है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। किससे सवाल? मेरा सवाल राम कदम जी से है। आपने जो पिछला चुनाव जीता था तो इन मुद्दों पर जीता था कि जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, तो अब क्या 30 लाख देंगे? एफडी दिया था हमने, मतलब अब ये डबल करके देखिए, अब तो ब्याज सहित जनता पूछ रही है कि ये बताइए 15 की जगह आप तो 30 लाख मिलने चाहिए। राम कदम जी इस तरह का झुंझुना लोगों के बीच लेकर आप लोग क्यों गए थे जिस पर फंस गई है बीजेपी? देखो ऐसा है कि चार साल के कार्यकाल में, अरे वो 15 लाख पूछ रहे हैं, आप चार साल का कार्यकाल गिना रहे हो। मैं बताता हूं जिस विषय की बात निकली थी, बाहर का धन काला धन देश में लाने का, सुप्रीम कोर्ट बोलने दो सुप्रीम कोर्ट ने 3 वर्षों तक लगातार कहा कांग्रेस की सरकार को एसआईटी बनाओ, कांग्रेस ने बनाया नहीं, हमने सरकार आने के 15 लाख देने की बात आपने कही थी ना, तो देश पूछ रहा है 15 लाख हमारे अकाउंट में कब आएंगे। बिल्कुल काला, कांग्रेस से तो कहा नहीं था कि 15 लाख आपके अकाउंट में जमा। बिल्कुल काला धन आएगा, उसके लिए कानून बनाए गए, एसआईटी बनाई गई, और जो अलग अलग देश है स्विट्जरलैंड से वहां से जानकारी मिले। इस देखिए ये कह रहे हैं कि आप ही की लापरवाही की वजह से 15 लाख अब तक लोगों के अकाउंट में नहीं जा पा रहा है। काला धन की बात करने वाले लोग ये बताए कि 4 साल तक आपने लोकपाल क्यों नहीं बनाया, आप ये बताइए कि बाहर से कितना काला धन ला पाए हो। और आप बात करते हो काला धन की, अरे आपने तो गंगा साफ करने की भी बात की थी, लोग यहां पर बैंक साफ करके चले गए। हाँ सफेद पैसा, देश का 60,000 करोड़ रुपया सफेद पैसा देश का यहां से बाहर चला गया और मोदी जी के नाक के नीचे से चला गया, और आज आप बोलते हो कि हम काला धन लाएंगे, कहां से काला धन? गर्मा गर्म बहस लगातार जारी है। राम कदम जी मैं लौटूंगी, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकना है, मैं फौरन लौटूंगी। एनसीपी और एमएनएस के भी नेता हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मौजूद है यहां की जनता, लेकिन 2019 की राजनीति मुंबई से अब आगे कैसे बढ़ेगी, यहीं से बड़ी पड़ताल करेंगे। मोदी की 4 सालों की बड़ी पड़ताल हम कर रहे हैं, मुंबई में मौजूदगी है, सवाल 2019 कौन जीतेगा। लेकिन जल्दी जल्दी लोगों के रिएक्शन लें, एक शख्स हमारे साथ अमेरिका से आए हुए हैं, इनके कुछ अपने दर्द हैं, आप भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस मैम। तो क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, और अन्याय के हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम उजागर करना चाहते हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं है बीजेपी का, और हमारे सामने खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है मुंबई जैसे शहर में, और अत्याचार की कोई सीमा नहीं है हमारे पे। हम एनआरआई लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, एजुकेटेड इलीट लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो बाकी गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ और किसानों के साथ। बता दें इनका अपना एक अलग मुद्दा है जिसको लेकर ये बहुत परेशान है, और उसी की वजह से ये इंसाफ चाहते हैं मोदी जी से। खड़े हो जाइए मैम, बताइए 2019 कौन जीतने वाला है मुंबई में? मैडम अभी तो प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकते, द फ्यूचर व्हाट द स्टेप्स टेक द। अच्छा काम कौन कर रहा है? मेरे ख्याल से तो देखिए अब एक कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ के खिलाफ बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ चलो बीजेपी ने ये नहीं किया तो कांग्रेस के जो पैसा यहाँ से चला गया उनके टाइम में, हाँ। जो थे अमालिया मेहता इन लोग, हाँ। अर्शद मेहता उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2019 कौन जीतेगा सर? वो पता नहीं राम कदम साहब, मैं तुम्हारा एक प्रश्न विचार तो वक्त बहुत कम है। अच्छा पता है 2019 कौन जीतेगा? वक्त सीएम साहबान कड़े गृह मंत्री पद है, भीमा कोरेगाव मध्ये जो हत्याकांड झाला हे सगळं झालं, दलित अत्याचार और काय दलितों के अत्याचार को लेकर भीमा कोरेगांव में जो हुआ उसको लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। सर खड़े जाइए, आप रेलवे से हैं और आपने ये आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी रेलवे को बेचने वाली है, आपने सीधे आरोप लगाया। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पहले तो रेलवे का जो बजट सेपरेट होता था, हाँ। जिसके ऊपर कंसोलिडेटेड फंड से 6% डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाता था, वो बंद कर दिया, और बंद करने के बाद
पहला कदम उठाया कि जो ये रेलवे की सीएसटीएम की बिल्डिंग है 650 करोड़ रुपए में। ठीक है, वक्त की कमी है सर, 2019 कौन जीतेगा? देखिए सर, 2019 कौन जीतेगा? हाँ, 2019 की बात कर रहा हूँ, जिस लाल किले से प्रधानमंत्री जीतेगा कौन, वक्त की कमी है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। 2019 राहुल गांधी यानी कांग्रेस, राहुल ले लेते हैं, 2019 कौन जीतेगा? मैडम आज जीतेगा कौन, कौन नहीं जीतेगा, कौन जीतेगी, अच्छे कौन जीतेगा, कांग्रेस कौन जीतेगा, कांग्रेस। देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी 2019, और बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।